अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस के यूट्यूब चैनल पर शामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं एनएक्स की एक डीलक्स मीट ग्राइंडर जो है मशीन का, जो है ये वीडियो में पॉसिबल बनाई है सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स ने। और सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमारे सब्सक्राइबर के लिए बहुत ही अच्छी ऑफर निकाली है, यानी कि ये ईद डे ऑफर इन्होंने निकाली है। ईद के तीनों दिन जो भी ऑर्डर करेगा, इसको उम्मीद है कि दूसरे दिन ये आप वीडियो अपलोड हो जाएगी, कोई भी ऑर्डर करेगा उसके साथ आपको जो है ये पुल चॉपर एनएक्स का जो कि है आपको गिफ्ट मिलेगा। ईद डे ऑफर चल रही है और ईद के तीनों दिन आपको सर्विस दी जाएगी। अगर किसी को भी कोई भी चीज़ चाहिए इस्लामाबाद रावलपिंडी में, डिलीवरी भी फ्री और ये भी आपको जो है साथ गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा। तो अगर आप किसी इस ऑफर से अवेल होना चाहते हैं तो आप अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो इस ऑफर से अवेल कर लीजिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हाइजीन को प्रॉपर मतलब कि मद्देनजर रखते हुए तो आप कीमा बाहर से कराएं कोई मसला नहीं, लेकिन यह है कि अगर आप अपनी मीट ग्राइंडर मशीन खरीद लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो आज हम इसका रिव्यू लेके आए। सबसे पहले बॉक्स की बात करते हैं तो आपको सबसे टॉप पे डीलक्स मीट ग्राइंडर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। एनएक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो है कुछ हैवी मेटल गियर, मतलब कि काफ़ी हैवी जो है ये मेटल है। और चॉइस द प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल्स की ये चॉइस है। मॉडल है AG3060 और आपको जो मशीन की पिक्चर वगैरह देखने को मिल जाती है। कटर्स जो साथ मिल जाते हैं वो मिल जाती है। कीमा बनता हुआ आपको दिखाया जा रहा है। 2 साल की आपको इसकी वारंटी मिल जाती है। और इस साइड पे अगर बात करें तो इस साइड पे आपको जो है कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह मिल जाती है। पावरफुल मीट ग्राइंडर मशीन और एनमोलियम जो है आपको टब मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स वगैरह, बिग मीट फ्लिप पैन, मतलब कि पैन मिल जाता है ऊपर, तमाम चीज़ें। और वाट जो है कंज्यूम करती है 1200 वाट। और इस साइड पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि इसकी बैक साइड पे थी। इस साइड पे आपको जो है तो एनएक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है और दरमियान में इसकी जो है प्रोडक्ट की पिक्चर मिल जाती है। और ये भी वही चीज़ है जो कि इसकी बैक साइड पे थी। तो अनबॉक्सिंग से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं या तो जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉक्सिंग करते साथ ही आपको जो है इसका वारंटी कार्ड मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इसकी जो है 2 साल की वारंटी क्लेम करा सकते हैं। और ये वारंटी आपको जो है ओनली मोटर की दी जाती है। गाइड मैनुअल मिल जाता है जिसको आप पढ़ के, अगर चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको पढ़ के जो है अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। इसके साथ आपको जो है कुछ ये नोप्स वगैरह मिल जाते हैं। अब मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ है। और इसके साथ काफ़ी मतलब कि बड़ा जो है एक जो ऊपर रखने वाला पैन होता है वो मिल जाता है। पुशर मिल जाता है। काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन है ये, काफ़ी मतलब के भाई निकला तेरी मेहरबानी निकला। ये रही हमारी मशीन और ये रही इसकी एक्सेसरीज। ये तमाम चीज़ें अब मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा ताकि आपको जो है इसकी चीज़ें नज़र आ जाएं कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ दी गई आपको, ठीक है। हाँ ओके, ये हो गया, अनरैप कर लें। ये रही हमारी मशीन, इसको हम रख लेते हैं इधर। और ये रहा हमारे पास इसका आगे वाला हिस्सा, ये पुशर आ गया। और ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो है ना एक रोल टाइप, मान लीजिए मेरे ख्याल से सीख कबाब के लिए या किसी और चीज़ के लिए, आई थिंक सो कि 100% मैं श्योर हूँ कि ये चीज़ जो है उसी के लिए है। ये आपके रोल निकाले हैं तो उसको मतलब कि आप देख सकते हैं होल भरा हो जाता जाता है। ये तीन आपको जो इसके साथ मिल जाते हैं नोप्स। हम इसको दोबारा रख लेते हैं, मुझे समझ आ गई है इसकी और आपको भी समझा दी। अब मैं परेशान था कि इनके तमाम जो है टूल्स कहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर मशीन की बात करते हैं, ठीक है। आई होप कि मैं गलत नहीं हूँगा। तो यहाँ पर आपको जो है एक यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, सर्किट रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, तमाम सर्किट रीसेट हो जाएगा। ऑन का ऑप्शन मिल जाता है यानी कि स्टिल ऑन रहेगी, ठीक है। अब ऑफ का, ठीक है, ऑफ और रिजर्व्ड यानी कि इसको दबा कर रखेंगे ये चलती रहेगी और छोड़ेंगे तो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ओपन, यहाँ पर आपको जो ओपन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से ओपन करेंगे तो मैं श्योर तो नहीं था लेकिन भाई मेरी इज्जत बचा ली इसने। इसके अंदर आपको जो है इसकी एक्सेसरीज मिल जाती हैं जो कि इसके आगे नोप में लगेंगी। यहाँ पर आपको जो है इसके कुछ ब्लेड्स मिल जाते हैं जो कि स्टील में है, प्योर स्टील है, काफ़ी हैवी हैं।
और इसके साथ आपको जो है उन्हें दोबारा से इसके अंदर अटैच कर लेते हैं, बल्कि हम मशीन को अटैच करके भी दिखाएंगे, ठीक है। और इस साइड पे अब बात करते हैं, इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे आपको जो है ओपन का फिर ऑप्शन मिल जाता है। इसको हमने क्लिक किया, ओपन किया और मजे से इसकी वायर जो है बाहर आ गई, और यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। 2 पिन का यूनिवर्सल स्विच मिल जाता है इसके साथ, मतलब कि एक तो काफ़ी हैवी भी है और काफ़ी कंफर्टेबल और मतलब कि कंपैक्ट की हुई है। और इसके आगे आप बताता हूँ कि ये जो है आगे मशीन कैसे स्टार्ट होगी और कैसे इसके आगे जो है ये हिस्सा लगेगा। तो अब हम बात करते हैं, इसको जो है हम लगाते हैं, ये आपने पकड़ी जो हमारा जो है टूल है जो इसके आगे लगेगा, ये हमने जो इस तरह मूव करना है, ये हमने मूव किया, ठीक है। अब ये जो है अटैच हो गया, अब इसको टाइट कर लेंगे। अब ये टाइट हो चुका है, ठीक है। अब जो है इसके ऊपर ये ट्रे जो आपको दी गई है, तो ट्रे अब इसके ऊपर जो है इस तरह आप हैंग कर दें, ठीक है। अब ये ट्रे इसके ऊपर रख दी, अब आप इसके अंदर जो है मीट ग्राइंड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल के मीट ग्राइंड करें और दाल वगैरह बना सकते हैं। अब इसको इसका कटर किस तरह आपने चेंज करना है, ये आपने कटर निकाला पहले वाला, ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील कटर, ठीक है। इसके साथ एक ये भी कटर होता है वॉश करने के लिए, आप ये तमाम चीज़ें निकाल के आप इसको वॉश कर सकते हैं, दोबारा से आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपने मुंह इस तरफ रखना है। अब ये कटर आपको जो है साथ दिए जाते हैं, ये बिल्कुल छोटा कीमा निकालता है, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा, और ये जो है थोड़ा सा मतलब कि अलग सी शेप आ जाती है। आपने एडजस्ट करना है फिर से, इस तरह इसको टाइट करना है, ये आपका कटर इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ये नोब्स देख सकते हैं, अब आप इसको जो है टाइट कर देंगे, ये जो है इस तरह ये हमारी मशीन जो है रेडी होगी, रेडी फॉर यूज़ होगी है। और मुझे नहीं लगता कि काफ़ी अच्छी मशीन है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि हाइजीन को भी मद्देनज़र रखना है, कोरोना की बीमारी चल रही है। इस सॉफ्टवेयर को अवेल ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ये ईद के दिनों में ही वीडियो लगेगी। तो इसके साथ आपको जो है एक छोटा सा चॉपर गिफ्ट में जो है मिल रहा है, तो आप ये ज़रूर अवेल कीजिएगा। तो बस, और हाँ, ये आपको जो पुशर मिल जाता है, ये इस चीज़ को पुश करने के लिए होता है, आप इसको पुश करेंगे, कीमा बनता रहेगा, कीमा बनता रहेगा। तो अगर आप इस ऑफ़र को अवेल करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या तो जो है नीचे जो है अगर आप इस ऑफ़र को अवेल करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, या तो जो है कॉमर्स में सबसे टॉप पे, या तो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा इनका नंबर, सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप उनसे रब्ता करके जो है किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसकी कीमत भी मालूम कर सकते हैं। और ईद के तीनों दिन आपको सर्विस दी जाएगी, और ये सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे सब्सक्राइबर के साथ मोहब्बत है, तो आप इनकी मोहब्बत को जो है रायगा ना कीजिएगा, तो ज़रूर जो है इनको ऑर्डर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, फी मानिला, और आपको हैप्पी 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 ईद मुबारक। और इस ईद पे उन लोगों को याद रखिएगा जो लोग इस ईद का इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच।